दोस्तों, आप सभी तो इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे और आप 1-2 सालों से इंस्टाग्राम चला रहे होंगे और आपने 1-2 सालों में बहुत सारे पिक भी पोस्ट किए होंगे। तो कई बार क्या होता है कि आपने 1-2 सालों में बहुत सारे पिक को लाइक किए होंगे, तो आप ये पता कैसे कर सकते हैं कि आपने किन किन के पिक को लाइक किया है? तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ डिटेल्स। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम को जैसे ही ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर राइट साइड में देखते हैं, आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं 3 लाइन का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सेटिंग का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां देख सकते हैं फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन, क्रिएटर, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एड्स, पेमेंट, ये सब ऑप्शन आ रहा है। तो आपको इससे लेना देना नहीं है, आपको यहां से अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहां पर अपना एक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं। आपने किन 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 फोटो को सेव किया है यहां पर चेक कर सकते हैं, सेव्ड लिखा है। और आपने किन किन फ्रेंड को क्लोज फ्रेंड किया यहाँ पर, इसे भी चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ से अपने लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको नीचे आ जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है पोस्ट यूआर लाइक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं आपने जितने भी पिक को लाइक किया है, यहाँ पर आपके में सब कुछ शो हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे अनलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको अनलाइक कर देना है, यहाँ से आपको बैक हो जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अनलाइक सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सिंपल है कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।